तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्रैक्टिस मास्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू के लिए डील करने जा रहे हैं। तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू आते हैं 20, ठीक है, तो उन एमसीक्यू में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ये एक इक्वेशन है x²-3x-10। आपको क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसको घटाने में 3 आता हो। 5 2 10 5 2, तो आपका आंसर भी होगा 5.2। अगर दो दो माइनस लगे तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, प्लस 5, -2। इसका बताइए, 7 2 14, माइनस माइनस है, प्लस 7, -2। इसका बताइए। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, 6 5 क्या होता है, 30। अगर कभी भी पहले डिजिट लगी हो ना, तो 6 5 क्या हो गया, 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर बताइए कि घटाने में 1 है, तो 6.5 ना, तो 6.5 ये तो होगा ही होगा, लेकिन कभी भी यहां पर डिजिट हो ना तो इससे डिवाइड भी कर दिया करें, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस 1, -5/6, ये आपका आंसर है। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट, दूसरे वाले में देखिएगा, अगर प्लस और माइनस दो दो साइन दिए गए, ये पहला प्लस है और फिर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्लस है फिर माइनस है, ऐसा ही होना चाहिए। तो काम आपको वही करना है, 5 के ऐसे फैक्टर बताओ कि घटाने में 4 है, 5 1 5 5, 1 और प्लस माइनस है, तो आंसर आपका होगा -+, तो 5, 1 -+। 96 के ऐसे फैक्टर 4 आए, 12, 8 -+, ठीक है, 9 लगा है और यहाँ पे 2 लगा है, तो 9 2 क्या होता है, 18। 18 के ऐसे फैक्टर बताओ कि घटाने में 7 है, 9, 2 -+, 9, 2 और -+, और पहले अगर डिजिट 2 लगी है तो 2 से करो डिवाइड, और ये कितना हो गया, 1, -9/2, दिस इज योर आंसर। तो माइनस माइनस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और प्लस माइनस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यानी कि अगर इन दो जगहों पर माइनस माइनस है तो भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके क्विक आंसर दे सकते हो, अगर इन दो जगहों पर प्लस और माइनस है तो भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। अगर माइनस माइनस आया तो पहला आंसर प्लस, भाग वाला माइनस, प्लस माइनस है तो पहला आंसर माइनस, भाग वाला प्लस। अब आओ हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 और कंसेप्ट नंबर 4 पे बात करते हैं, समझना, सेम कंसेप्ट है। 48 है, इसके ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 16 है, तो क्या करोगे, 12 4 48, तो पहला रूट आपका 12 होगा, दूसरा 4 होगा, तो 12 4 12 4, और माइनस प्लस जब भी लगाओ ना तो दोनों आंसर प्लस में आते हैं दोस्तों, 12.4 आंसर हो गया। 51 का क्या होगा, 17 3 17.3, दोनों प्लस के होंगे। अब ये देखो, 2 6 12 12 ऐसे फैक्टर बताओ जोड़ने में 7 है, 4.3, तो 4.3 तो होगा आंसर सर, बट 2 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया था स्टार्टिंग में 2 हो तो उससे डिवाइड कर दिया, माइनस प्लस है, दोनों प्लस के हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2.3/2, ये आपका आंसर है इन दिस पे, ठीक। अब देखो भैया, अगर दोनों ही जगहों पे प्लस आ जाता है तो मेरे भाई दोनों ही आंसर माइनस के होंगे, देखना ध्यान से, 4 1 4 4 के ऐसे फैक्टर बताओ जोड़ने में 4 है सर, 2.2, बट सर 2.2 तो आप लिखोगे, लेकिन अब पीछे सबसे पहले 4 लगा है ना, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर होगा 1/2 1/2, और दोनों प्लस के हैं तो दोनों आंसर माइनस के होंगे, -1/2 -1/2। यहां पे देखो बेटा, 6 5 30 30 के ऐसे फैक्टर बताओ जोड़ने में 17 है सर, 15.2, तो 15.2 तो लिख दोगे तुम, लेकिन शुरुआत में 6 है तो 6 से डिवाइड, दोनों आंसर प्लस, दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 5/2, तो -5/2 और -1/3, ये आपका आंसर यहाँ पे है। इसको देख लो भैया, इसको देखो तो 9 1 9 होता है, तो 9 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसको जोड़ने में 6 आ जाए, 3.3 होता है, लेकिन 3.3 तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 9 है तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो 1/3 1/3, और दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए मुझको पेन चलाना पड़ रहा है, लेकिन पता है तुम बोर्ड्स में डायरेक्ट देखकर लगा सकते हो, अगर तुमने ये वाली क्लास ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप पर सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो अब समझना, तो तुमने क्या देखा कि सर अगर दोनों जगह पे माइनस हुआ तो अपना एक आंसर प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, अगर दोनों जगह पे एक पे प्लस एक पे माइनस है तो आंसर माइनस प्लस होगा, अगर सर प्लस प्लस दिखता है तो सीधा आंसर सर माइनस माइनस, और अगर सर माइनस प्लस दिखता है तो सीधा आंसर सर प्लस कॉमा प्लस। इन चार कंसेप्ट, C1 कंसेप्ट, C2 कंसेप्ट, C3 कंसेप्ट, C4 कंसेप्ट आपको नंबर दिलाएगा यूं, समझे,